तो दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल होने वाला है। ठीक है, 3 नवंबर का डेट के बात करेंगे। तो चलिए ये डेली टाइम फ्रेम भी आपका निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने का ट्राई करना, ठीक है, इस कैंडल से ऑब्जर्व करना चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला जो रिवर्स कैंडल आई है यहाँ पे, इसके ओपनिंग आप देख सकते हैं, कैंडल का ओपन यहाँ हुआ था। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुआ था, डाउन साइड, मतलब यहाँ पे, मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। चलो ये ठीक है। ये कैंडल भी ऊपर ओपन हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ, नीचे। ये कैंडल देखेंगे यहां पर ओपन हुआ, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे। और ये कैंडल क्या है, डोजी बन गया है, मतलब ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पर आखिर मार्केट में क्या दिख रहा है, ठीक है, एक लेवल दिख रहा है जो कि 19,150। ठीक है, ये लेवल आप देखिए ध्यान से, मार्केट क्या है, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये कैंडल भी डाउन साइड में आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ओपन तो हुआ मार्केट, लेकिन आकर के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब से ये कैंडल नीचे आकर के क्लोज की है, ठीक है, तब तक क्या है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, मतलब इस पॉइंट पे सेलर अभी भी एक्टिवेट है, मार्केट को नीचे लेके चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है, अभी क्या होगा, अगर कल के दिन में मार्केट, अगर कल के दिन में यहाँ पे ऊपर ओपन होगा, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट अगर लेंगे यहाँ पे वही 150 के ऊपर, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर कल मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल एक क्लोज करेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये समझिए कि मार्केट क्या है, स्लो स्लो करके, मतलब क्या है, ऊपर नीचे डाउन साइड ऐसे, मतलब मार्केट कर रही है। तो यहां पर क्या हो सकता है, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने का ट्राई करेंगे हम लोग, जो पॉइंट यहाँ पे चला है डेली टाइम फ्रेम पे, जो पॉइंट यहाँ पे चला है, मार्केट अप डाउन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सेम पॉइंट क्या है, मार्केट यहाँ पर भी अप डाउन डाउन ऐसे करके एक बेरिश फ्लैग और पैटर्न यहाँ बना सकती है, लेकिन अभी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले हमें लेवल्स को वेट करना है, मार्केट थोड़ा टाइम वेट करे, उसके बाद में जैसे यहां पर मार्केट देखेंगे, इस क्या हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ऐसे करके ऊपर गया, फिर उसके बाद क्या है, नीचे आया। तो अभी ये स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, अभी ये स्लो स्लो करके है, मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या होगा, हम लोग जाएंगे बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न के लिए। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारा लेवल्स क्या हो सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लग गया है। चलिए यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लेवल है 150 के आसपास का। ठीक है, वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 ही मानेंगे यहाँ पे, ऐसे करके आते हैं, ये देखिए, ठीक है, 140 हो गया, 150। ये पॉइंट, ठीक है, ये लेवल्स अभी भी हमारे पास क्या है, एक्टिव है, ठीक है, 150 का। इसके बाद में हमारा एक लेवल पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 180 का, ये मार्केट गया है रिवर्सल वहां से लगाया है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कर देंगे। ये 150 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले जो नीचे का लो था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, उसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चार लेवल्स आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, जब चार लेवल्स यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, मार्केट अगर कल के दिन में इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर 150 के नीचे ओपन होता है, क्या करना है, यहाँ पे बाई मत करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट थोड़ा टाइम अगर वेट करके अगर इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, ठीक है, तभी हम इसको बाई करेंगे। अगला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, ये आपका अगला टारगेट होगा, यहाँ ब्रेकआउट आता है तो। ठीक है, इसका लेवल क्या है, यहाँ पर देखेंगे राउंड लेवल पकड़ेंगे, ठीक है, तो 19,180 के आसपास इसका लेवल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर राउंड लेवल की बात करेंगे तो 19,200 का लेवल है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट निकलेगा 19,230 का टारगेट यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, ये निफ्टी का लेवल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, मार्केट अगर यहीं पर ओपन होकर के अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर तो रहेगा रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है एक सेलिंग, ठीक है, रिटेस्ट किया है मार्केट, फिर सीधा क्या है, नीचे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा टाइम मार्केट यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ डिसाइड करेगा इसको ब्रेकआउट करना है या फिर मार्केट डाउन चलाना है। लेकिन इसके नीचे हम क्या है, बेरिश ही है, इसके नीचे हम बेरिश रहने वाले हैं, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, तो क्या करना है, आपको पता है मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये सपोर्ट ही पॉइंट है। ठीक है, 19,000 1970 का पॉइंट ये है, ये सपोर्ट का है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा,
पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहां ध्यान रखना। और उससे बड़ी चीज यहां पे दिख रही है क्या, आपको दिखा देते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां पर क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये मार्केट क्या है, सीधा का सीधा अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड में मार्केट निकल रहा है यहाँ पे। चलो ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखना है, ऐसे मार्केट क्या है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड लाइन भी कंटिन्यू कर सकता है, इसको बस फोकस रहता है, इसको ब्रेक नहीं करता, अगर ब्रेक कर देगा लाइन इसको, फिर टारगेट आपको ये मिलेगा। यहाँ पर बस ऑब्जर्व ऐसे ही करना है, ये चार्ट रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का ऐसे ही प्लान करके रखना है आपको। चलिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आएंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ऑब्जर्व ज्यादा हो रहा है इस टाइम मार्केट में कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, कौन सा लेवल्स है जिसको मार्केट क्या कर रहा है, बार बार डाउन साइड आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 400 का लेवल है, ठीक है, 43,400 का लेवल है, जब तक जब ये कैंडल नीचे आई है, ठीक है, फिर कोई भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अगर कल के दिन में डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल यहां पे क्लोज कर देगा, ठीक है, अगर कल यहां पे क्लोज कर देगा, ये वाला पॉइंट समझे टारगेट होगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का हाई, कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। अगर कोई कैंडल यहां पे बड़ी आ जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बड़ी कैंडल यहां पे आ जाती है, तो थोड़ा सा हमारा व्यू क्या होगा, अप साइड में, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन जैसे ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है, ये वाला ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, 43,400 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कौन से लेवल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ये जो बड़ी कैंडल आई है सेलिंग, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है सेलिंग, यहाँ पर देखेंगे सेलिंग आया है, ये सेलिंग, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम फटाफट इसको कर देते हैं ऐसे लाइन ड्रॉ, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मार्केट क्या है डाउन साइड में, फिर ये पॉइंट डाउन साइड में, अब इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट देखेंगे डाउन साइड यहाँ पे हुआ है, ये ब्रेकआउट आया ऊपर गया है, यहाँ पर क्या है सपोर्ट लेकर के आज के दिन में मार्केट एक रिवर्सल किया हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपके पास बड़ा सपोर्ट, ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस आ चुका है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो 43,400 का लेवल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट, जी एक बड़ी कैंडल डाउन साइड में आई है, एक ब्रेकआउट यहां पर भी आया, ठीक है, यहां पर बस ये लेवल्स आपके सामने यहां पड़ा हुआ है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मार्केट जब तक इस रेंज में, ठीक है, कुछ मत करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, इस लेवल पे 43,400 यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट नीचे आपको ये टारगेट दिख जाएगा। चलिए और उसके बाद में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ओपन होता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर कोई कैंडल बनाता है पॉजिटिव, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, फिर आपको क्या है यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये 43,000 का पॉइंट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे राउंड लेवल तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये 43,000 का पॉइंट है यहाँ पे, इसको मार्केट इतना आसानी से डाउन ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, हाँ इतना हो सकता है भले मार्केट कल के दिन में सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, कैसे चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन में कुछ ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न तब ऑब्जर्व होगा कि भैया चलो यहाँ से मार्केट क्या सीधा नीचे आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता, ठीक है, यहाँ पे बुलिश रहना है, इसके नीचे अगर आता है मार्केट फिर क्या हमें बेरिश रहना है, कौन सा लेवल मिलेगा, 42,840 का पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी को देखना है। उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे कुछ करके, ये आपके सामने ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्या है, हमेशा मार्केट ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को यहाँ फॉलो कर रहा है, मार्केट ऊपर फिर ऊपर डाउन सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर चैनल भी चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे करके आप चैनल भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन सब चैनल में बाय एंड डीप होता है, ठीक है, ये सारा लेवल्स आपके सामने कल के लिए सिस्टम पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने लेवल्स है मार्केट में, इसको फोकस में रखना, ठीक है, स्कैल्पिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, प्रॉपर ट्रेड का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।